हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द पावर ऑफ साइलेंस बुक के बारे में। आपने अपनी लाइफ में साइलेंस की पावर के बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, या फिर आपने कभी ऐसा अनुभव भी जरूर किया होगा कि कई बार हमारे शब्द काम नहीं करते लेकिन चुप रहना कई बार काम कर जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को साइलेंस बहुत बार मात दे देती है, इसलिए लाइफ में बहुत बार चुप रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ऑथर हमें इस किताब के माध्यम से साइलेंस की पावर के बारे में समझाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये सुनने में काफी आसान लग रहा होगा कि चुप रहना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन करने में ये बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादातर लोग चुप रहने और शांत रहने को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शांत रहना एक अलग चीज है और चुप रहना एक अलग। आज हर एक व्यक्ति शांति की खोज में है, क्योंकि आज हर एक किसी को शांति चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में साइलेंस को अपनाना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आप खुद को चुप और शांत कैसे रख सकते हैं और क्यों आपको कभी कभी शांत और चुप रहना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले। आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि चुप रहना कौन सी बड़ी बात है और चुप रहने से कैसे किसी का भला हो सकता है। शायद आप उन लोगों से जोड़कर देख रहे होंगे जो आज बहुत ज्यादा सफल है और बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन आप शायद गलत अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि बहुत कम बोलते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सफल भी है। साइलेंस रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बोलना ही बंद कर दें और खुद को मौन अवस्था में कर ले। यहाँ हमें ऑथर बताना चाहते हैं कि लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं, उस समय चुप रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसलिए अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई तो वहां पर हमें शांत और चुप रहना चाहिए। आप खुद के अंदर एक आदत बना ले कि आप उतना ही बोलेंगे जितना बोलने की जरूरत है। आपने बहुत देखा होगा कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो बिना वजह ही बोलते रहते हैं, फालतू में ही कुछ भी कहते रहते हैं। बहुत बार हम ऐसे लोगों की बातों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये उनकी आदत बनी हुई है, इसलिए ज्यादा बोलने वालों के लिए ये नुकसान भी होता है। अक्सर हम उन लोगों की बातों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, और जब वो कुछ बोलते हैं तो हम उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कुछ कहेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट ही कहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट डज इट मींस टू बी साइलेंट। चुप रहने और शांत रहने में बहुत फर्क है। साइलेंस यानी किसी भी तरह और किसी भी परिस्थिति में खुद को चुप रखना, लेकिन शांत रहने का मतलब आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो उसके अंदर एक अध्यात्म जागृत हो जाता है और आप हर तरफ से शांत हो जाते हैं। साइलेंस एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे अस्तित्व के अंदर तक ले जाती है। ऐसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो चुप रहना पसंद करते हैं और अकेले नेचर के साथ समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अकेले एक वक्त भी नहीं निकाल सकते और उनको अपने पास हर समय कोई ना कोई चाहिए होता है। ये भी सच है कि आज की इस भीड़भाड़ वाली लाइफ में मौन रहना और अकेले समय बिताना हर कोई चाहता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अकेले रहना और नेचर के साथ समय बिताना क्या साइलेंस का यही एक मतलब है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर समय चुप रहते हैं और वो अपने भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और एक वजह ये भी हो सकती है चुप रहने की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुप रहना हर किसी के लिए हर बार सही हो। बहुत बार लोग कुछ चीजों को लेकर खामोश हो जाते हैं, वो एक गहरी चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस परिस्थिति में लोगों की हालत बहुत ही बिकट हो जाती है, लेकिन हम यहाँ उस चुप रहने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कई बार आप देखते हैं कि बहुत लोग आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आपको इतनी अहमियत दे रहा है, लेकिन असल में कई बार लोग फिजिकली तो आपके साथ होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनके विचार कहीं और चल रहे होते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि आप जब भी किसी के साथ अपना समय निकाल रहे हैं तो उनको अपना समय अच्छे से दें और उनकी बातों को ध्यान से सुने। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आपके अंदर ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि पहले सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, और बाद में उनकी बातों को अच्छे से रिप्लाई देना चाहिए। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई इंसान अगर चुप है उसके चुप रहने की क्या वजह है। कई बार चुप रहना कोई उदासी, चिंता या उसके पीछे कोई डर भी हो सकता है। इसलिए साइलेंस के बारे में जानने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा कि कुछ लोग बोलने से घबराते हैं, कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है,
इसलिए वो बोलने से पीछे हटते हैं। इसलिए चुप रहने की बहुत सी वजह हो सकती है। चुप रहना एक बहुत शक्तिशाली चीज है। साइलेंस बिना एक शब्द कहे बहुत कुछ कहने की ताकत रखती है। लेकिन आपको साइलेंस के बारे में पता होना चाहिए और आपको दूसरे व्यक्ति के साइलेंस के बारे में भी समझना चाहिए कि उनके साइलेंस होने की क्या वजह हो सकती है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी कुछ क्वालिटीज होती है जो कि इस बुक में बताई गई है, जिसमें से कि पहली है, साइलेंट पीपल आर गुड ऑब्जर्वर। अगर कोई चुप होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बोल नहीं रहा है और बिल्कुल खाली है। अक्सर चुप रहने वाले लोग अपने समय को बर्बाद नहीं करते, वे अपने साइलेंट मोड में भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं और उस चुप्पी के पीछे भी उनका एक लक्ष्य होता है। जब कोई इंसान मौन अवस्था में होता है तो उस समय वो अपने एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहा होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए ज़्यादातर इंट्रोवर्ट या साइलेंट व्यक्ति खुद को किसी उच्च दिशा में ढालने और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए चुप रहते हैं। दो, सेल्फ अवेयरनेस। जो लोग ज़्यादा चुप रहते हैं वो ज़्यादा आत्म जागरूक होते हैं और वो चुप रहकर अपनी ताकत और कमजोरियों पर काम कर रहे होते हैं। उनको अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में अच्छे से पता होता है। वो लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए चुप रहना मुनासिब समझते हैं और खुद के अंदर बदलाव करने के लिए लगातार खुद में सुधार करते रहते हैं। जब आपको अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पता होता है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब आपको अपने बारे में जागरूकता ही नहीं होती है तो आपको समझ नहीं आता है कि आपके साथ क्या चल रहा है। ये चीज़ें कई बार चिंता और उदासी का कारण भी बन जाती है। तीन, प्रैक्टिस साइलेंस। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी मिल जाते हैं जो कि बिना बात के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई आदत है और आप अपनी इस आदत से परेशान रहते हैं तो आप साइलेंस का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि जो चीज़ें हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़ी है उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए खुद के अंदर एक संकल्प बना लेते हैं तो फिर कोई भी चीज़ करना मुश्किल नहीं है। आप साइलेंस का अभ्यास करने के लिए हर रोज़ खुद को ऑब्जर्व करें और जब भी आप अकेले हो तो हर रोज़ इसको 10 से 15 मिनट अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करें तो उन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाएं जो आपको डिस्टर्ब करती हो। उस समय अपने मोबाइल या अन्य उपकरणों को फ्लाइट मोड पर रख दें। इसके अलावा अगर आप प्रकृति के नज़दीक साइलेंस का अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। या आप किसी ऐसे जगह का भी चुनाव कर सकते हैं जिस जगह को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने आसपास हर चीज़ को फील करने का प्रयास करें। सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी सांसों पर ध्यान दें कि वो कैसे चल रही है। साइलेंस का अभ्यास करने के लिए ये सबसे अहम है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं, व्हाई आर इंट्रोवर्ट सो सक्सेसफुल। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि शांत लोग इतने सफल क्यों होते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। शांत लोग अक्सर अपने दिमाग में जानकारियों को स्टोर करने के लिए कुछ वो अकेले समय बिताते हैं और शांत रहते हैं। साइलेंट लोग ज्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो खुद से ही उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। बाकी लोगों से वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते। साइलेंट लोगों की सोचने की क्षमता अधिक होती है और इसलिए वो एक बहुत अच्छे योजनाकार होते हैं। अक्सर साइलेंट लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं और वो दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं और तब तक कोई जवाब नहीं देते जब तक उनको जवाब देना जरूरी न लगे। वे ज़्यादातर साइलेंट होकर अपना काम करते हैं और दूसरों को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वे क्या कर रहे हैं और लाइफ में क्या करना चाहते हैं। लोगों को उनके बारे में सफलता मिलने पर ही पता चलता है। साइलेंट लोग ज़्यादातर इसलिए भी मौन रहते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा खासा सोचने समझने के लिए समय मिल जाता है। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा रचनाकार बना देती है, इसलिए वो चुपके से अपनी लाइफ में इतना सफल हो पाते हैं। साइलेंट लोग केवल कुछ ही लोगों को अपने साथ रखते हैं। वो केवल उन्हीं लोगों को साथ रखते हैं जिनके साथ उनको होना चाहिए। वो लोग इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सब चीज़ें कहने की नहीं होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिनको न कहा जाए तो ही बेहतर होता है। तो चलो आप जान लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग काम एंड साइलेंट। साइलेंस रहने और शांत रहने के अनेकों फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप जब साइलेंट रहते हैं या शांत होते हैं तो आप अपनी लाइफ को अधिक सचेत होकर जीते हैं। आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या जरूरी है और क्या नहीं। भले ही आपको एक फालतू का टॉपिक लगता हो, लेकिन जो व्यक्ति शांत और साइलेंट रहकर अपनी लाइफ को जीता है उसको पता है कि यही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है।
जब आप साइलेंट और शांत रहकर जीने की शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज विकसित हो जाती है। फिर आप अपनी लाइफ में बेहतर निर्णय लेने और एक स्पष्टता के साथ जीते हैं। आपको पता होता है कि आप लाइफ में जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, और आप अपनी लाइफ में एक बेहतर माइंडसेट के साथ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा साइलेंस क्या है और क्यों लाइफ में साइलेंस एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। आप अपनी लाइफ में साइलेंस को अपनाकर कैसे अपनी पूरी लाइफ को एक चमत्कार की तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।